Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Delhi Chalo Farmers Protest. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. Also important from our syllabus paper 4 Indian economy sub-segment agriculture point of view. सबसे पहले current news समझते हैं. आपने भी ये news काफी हाल फिलहाल में सुन रखा होगा कि हजारों हजारों की संख्या में फार्मर्स स्पेशली फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा उन्होंने एक मार्च प्रोटेस्ट लॉन्च किया है दिल्ली की तरफ और उस प्रोटेस्ट का नाम रखा उन्होंने दिल्ली चलो. सारे जो रोड्स जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं इन स्टेट्स से हरियाणा और पंजाब से जो रोड्स दिल्ली को कनेक्ट करते हैं उन सारे रोड्स को इन्होंने इस तरह से ब्लॉक कर दिया है. बॉर्डर एरिया में ये कलेक्ट हो गए हैं और इस कारण से गैदर हो गए हैं और इस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है और एसेंशियल सप्लाईज भी एक बार के लिए दिल्ली की कट हो चुकी है. सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द पीपल लिविंग इन दिल्ली एंड स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एज वेल, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है और यूनियन गवर्नमेंट ने खासकर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इन फार्मर्स के लीडर्स को रिक्वेस्ट किया कि ये सारे लोग एक पर्टिकुलर जगह पे बुरारी एरिया में जाकर के वहाँ पे गैदर हों और वहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें. बुरारी में सरकार ने इस तरह के अरेंजमेंट भी कराएं इन लोगों के गैदरिंग के लिए ताकि वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकें, बट इन फार्मर्स ने वहाँ पर बुरारी में भी इकट्ठा होने से मना कर दिया. इन्होंने इस तरह के रोड्स को ब्लॉक कर दिए हैं जो दिल्ली को पंजाब हरियाणा से कनेक्ट करते हैं. तो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम. तो जरा देखते हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे कारण क्या है. तो लगभग दो महीने पहले इन द मंथ्स ऑफ सितंबर मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट ने तीन कानून पास किए थे रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन फार्म सेक्टर. इसको हम लोग फार्म बिल नाम से जानते हैं. कई सारे आर्टिकल्स हमने इससे रिलेटेड उस टाइम में भी कवर किए थे. ये जो तीन कानून हैं जो पास किए गए थे दे आर फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ ऑफ 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस लॉ 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज लॉ ऑफ 2020. इन सबको हमने डिटेल में कवर कर रखा है इन आवर न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 19th September 2020. तो एक बार वैसे तो हमने डिटेल में कवर कर रखा है 19 सितंबर के अपने एनालिसिस में, लेकिन एक बार इन सारे जो रिफॉर्म्स हैं इन सारे लॉ का सबसे एसेंशियल फीचर देख लेते हैं. क्या सेंट्रल फीचर है जिस कारण से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस कानून की मदद से जो APMC लॉज हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी लॉ ऑफ स्टेट्स उनके अंदर चेंजेस लाया जा रहा है, उसके पावर को थोड़ा डाइल्यूट किया जा रहा है और साथ ही साथ फार्मर्स को अब फंक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको पावर दिए जा रहे हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो APMC मंडी से बाहर भी जाकर के अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं. तो इस फिगर की मदद से समझिए, देखिए पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू APMC एक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फार्मर्स का जो पहला नोटिफाइड क्रॉप होता है उसका पहला प्रोड्यूस उसको जाकर के APMC मंडी में ही बेचना होता है. ये कानून 1960s-70s में लेकर के आया गया था. 19th मई के एनालिसिस में इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, जहाँ पे मैंने बताया था कि किस पर्पस से ये कानून लाया गया था. देखो पहले होता क्या था कि फार्मर्स को पता नहीं होता था कि उसको उसके प्रोडक्ट का क्या रियल प्राइस है. तो मान लो वो गेहूँ उगा रहा है तो वो गेहूँ उससे मिडिल मैन काफ़ी सस्ते दामों पे, जो बीच के बिचौलिया होते हैं मिडिल मैन काफ़ी सस्ते दामों पे उससे वो गेहूँ खरीद लेते थे, को 5 रुपये पर केजी रेट पे खरीद लेते थे. गांव के फार्मर्स उनको पता तो है नहीं कि एक्चुअल रेट क्या चल रहा है मार्केट में और वो बिचौलिए जाकर के फिर उसी गेहूं को शहरों में 50 रुपीज़ पर केजी में बेच देते थे और बीच का जो लार्जर अमाउंट ऑफ मार्जिन है 45 रुपीज़ तक के आसपास का वो प्रॉफिट कमा लेते थे. तो इन सारे चैलेंजेस को रोकने के लिए फिर APMC एक्ट्स लाए गए अलग अलग स्टेट्स में और APMC एक्ट के हिसाब से APMC मंडी लगाएगी अलग अलग तालुका लेवल पे, विलेज लेवल पे. और APMC मंडीज में अब इन फार्मर्स को कहा गया कि आप जाकर के अपने प्रोडक्ट बेचो और इन तरह के सारे बायर्स को जो भी मिडिल मैन उनको कहा गया कि आप जाकर के APMC मंडी से ही इन फार्मर से प्रोडक्ट खरीद सकते हो, डायरेक्ट फार्मर से नहीं खरीद सकते. तो APMC मंडी किस पर्पज से बनाया गया था? ताकि यहाँ पर जब तमाम फार्मर्स आएंगे, यहाँ पर जब तमाम बायर्स आएंगे और बोली लगेगी, ऑक्शन होगा, तो फार्मर को
थोड़ा रियल प्राइस बेनिफिट होगा, रियल प्राइस का अंदाजा लगेगा। जब अलग अलग तरह के बायर्स आएंगे तो उनमें जब बोली लगेगी, एक तरह का कंपटीशन होगा, तो फार्मर्स को बेहतर प्राइस मिलेगा। तो पहले उसको मान लो 5 रुपये पर केजी मिल रहा था, तो अब 15-20-25 रुपये पर केजी तक मिल सकता है, क्योंकि आपस में जब ये बिचौलिए, ये मिडिल मैन बोली लगाएंगे, तो नेचुरली जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो थोड़ी ऊपर जाएगी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन अमंगस्ट द मिडिल मैन। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एपीएमसी लॉज लाए गए, लेकिन एपीएमसी लॉज ज़्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं। हुआ क्या कि अलग अलग एपीएमसी मंडी में वहाँ के जो भी कमीशन एजेंट्स होते हैं उनके साथ इन मिडिल मैन ने सेटिंग कर ली, उसके अलावा इन मिडिल मैन ने आपस में ही सेटिंग कर ली, और इन्होंने कैसा है एक तरीके का कोलिशन बना लिया कि भाई 5 रुपये या 7 रुपये से ज़्यादा बोली कोई लगाएगा ही नहीं, तो आपस में ये सेटिंग कर लेते थे, और इस कारण से फार्मर्स को इस केस में भी फायदा नहीं होता था। उल्टा फार्मर और ज़्यादा परेशान हो गया, और ज़्यादा फंस गया, क्योंकि फार्मर अब लीगली बाइंड हो गया कि उसको अपना क्रॉप एपीएमसी मंडी में ही बेचना है। अगर बाहर में कोई उसको बढ़िया ऑफर भी कर रहा है रेट, तो भी वो अपना फूड क्रॉप बाहर नहीं बेच सकता अकॉर्डिंग टू दिस एपीएमसी लॉ। तो मुद्दा यह है कि 1960-70s में एक कानून लाया गया एपीएमसी लॉ का, फार्मर्स को बेनिफिट दिलाने के लिए, उनको बेहतर रिटर्न दिलाने के लिए ऑन देयर फूड क्रॉप। लेकिन इस लॉ से फार्मर्स को नुकसान होने लगा रादर देन गेटिंग बेनिफिटेड। तो इसी तरह के नेक्सस को अब दोबारा ब्रेक करने के लिए भारत सरकार ये कानून लेकर के आई। इन तीनों कानून का अगर आप एसेंस देखें तो यही है, फार्मर्स को एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रोवाइड करना। बस इसमें यही कहा गया कि फार्मर्स एपीएमसी मंडी में तो बेच ही सकते हैं, जो पहले के प्रोविजन हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा फार्मर चाहे तो अपना फूड क्रॉप बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी पर्सन को, मर्चेंट को बेच सकता है, या स्टेट के बाहर भी बेच सकता है। तो अब फार्मर्स के ऊपर ये जो लिमिटेशन था कि वो उसको पहला क्रॉप जो है अपने फूड क्रॉप का, जो भी नोटिफाइड क्रॉप है, 23 तरह के ऐसे क्रॉप है जिनको नोटिफाई किया गया था एपीएमसी में, उन सबको एपीएमसी मंडी में बेचना है। ये लिमिटेशन के अलावा अब एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया गया कि वो बाहर में भी अगर उसको बेहतर प्राइस मिलता है तो वो जाकर के बेच सकता है। तो एक तरीके से आप समझिए कि फार्मर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन खोल दिए गए ताकि फार्मर्स को बेहतर रिटर्न मिल पाए उनके प्रोडक्ट पे। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं, और भारत सरकार का ऐसा मानना है कि इस लॉ से फार्मर्स को एडिशनल ऑप्शन मिलेगा, जिससे वो बेहतर प्राइस की डिस्कवरी होगी थ्रू मोर कॉम्पिटिशन एंड फार्मर्स विल गेट बेटर रिटर्न। तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस तरह का स्टेटमेंट आया है हाल फिलहाल में, आफ्टर ए लॉट ऑफ डिलिबरेशन द पार्लियामेंट गेव अ लीगल फॉर्म टू द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। दीज रिफॉर्म्स हैव नॉट ओनली सर्व्ड टू अनसकल आवर फार्मर्स बट ऑल्सो गिवन देम राइट्स, न्यू राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इन कानूनों की मदद से फार्मर्स को नए अपॉर्चुनिटीज, नए अधिकार मिलेंगे। दे विल हैव एन मोर ओपन ऑप्शन टू सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एंड दैट इज वाई इट विल हेल्प इन देम इन अर्निंग बेटर रिम्यूनरेशन ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ऐसी अंडरस्टैंडिंग से कानून लाया गया, लेकिन अब प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? व्हाई देयर इज ह्यूज प्रोटेस्ट? क्योंकि पता नहीं कैसे, लेकिन फार्मर्स को यह कन्विंस किया जा रहा है कि इस कानून के बाद भारत सरकार एमएसपी स्कीम को विड्रॉ कर देगी, खत्म कर देगी धीरे धीरे। अब ये प्रोविजन, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से बिल्ड हुआ है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन एक इस तरह की मेंटालिटी बनाई जा रही है, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है फार्मर्स के अंदर कि ये कानून इसीलिए लाया गया है कि अब धीरे धीरे फार्मर्स को बोला जा रहा है कि तुम जाओ मार्केट में अपना फूड क्रॉप बेचो, जहां तुमको बेहतर प्राइस मिलता है बेचो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन एमएसपी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का कंडीशन लाया गया। देखो एमएसपी कैसा होता है, मैं वो कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। एमएसपी वैसे तो हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, एमएसपी एक तरह की भारत सरकार की स्कीम है जिसमें आप कोई भी क्रॉप उसके सोइंग सीजन के टाइम में ही, मान लो गेहूं का सोइंग सीजन अभी चल रहा है, तो इसके सोइंग सीजन के टाइम में ही भारत सरकार अनाउंस कर देती है कि इस गेहूं का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 रुपये पर केजी होगा। मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब ये गेहूं का क्रॉप उग जाएगा, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फार्मर्स अपने फूड क्रॉप को लेकर के मार्केट में जाएंगे, एपीएमसी मंडी में जाएंगे, और अगर ये फूड क्रॉप, गेहूं का फूड क्रॉप 50 रुपये से ज़्यादा में बिकता है, मार्केट अगर उसको ऑफर करता है 50 रुपये से ज़्यादा का प्राइस, तो फार्मर्स उस वहाँ पर एपीएमसी मार्केट में अपना फूड क्रॉप बेच देंगे। अदरवाइज 50 रुपये में तो भारत सरकार भी मिनिमम, तो भारत सरकार इतने में तो खरीद ही लेगी। भारत सरकार की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी वहाँ पर एक तरह का स्टॉल लगा रहता है एपीएमसी मंडी में, और अगर
मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर का प्राइस अगर कोई ऑफर कर रहा है तो फार्मर उसको बेच सकता है, नहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो ये एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो खरीद ही लेगी। ये कॉन्सेप्ट है एमएसपी का। अब वो बात अलग है कि एमएसपी फंक्शनल नहीं है बहुत सारे मंडीज में, ये जब फार्मर जाते हैं तो उनको इस तरह का एफसीआई का स्टॉल दिखता ही नहीं है, दिखता भी है तो एफसीआई के जो स्टॉल हैं वो हर तरह के प्रोडक्ट्स को लेते नहीं है। वैसे तो 26 क्रॉप्स खरीदे जाने हैं एमएसपी पे, लेकिन खाली दो या तीन क्रॉप एफिशियंटली खरीदे जाते हैं, राइस या वीट, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन थ्योरेटिकली एमएसपी एक तरह का इनकम सपोर्ट स्कीम है, एक तरीके का प्राइस इंश्योरेंस स्कीम है कि अगर मार्केट बेहतर प्राइस नहीं ऑफर करेगा फार्मर्स को तो एमएसपी पे उनको बेहतर प्राइस दे दिया जाएगा। ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही उनके उनको समझो तो उनके लिए एक सेफ गार्डिंग स्कीम है जो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। जब भी फार्मर खेती करता तो उसके मन में एक पीस रहता है, एक तरह का इंश्योरेंस रहता है, एश्योरेंस रहता है कि अगर ये फूड क्रॉप कहीं और बिके ना बिके सरकार तो खरीदे लेगी इतने प्राइस पे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस दैट गिव्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एश्योरेंस टू द फार्मर्स बिफोर सोइंग ऑफ देयर फूड क्रॉप्स। तो एमएसपी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है फार्मर्स के लिए। और इस ये जो तीन बिल इस बार इंट्रोड्यूस किए गए इनका एमएसपी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना इसलिए चल रहा है क्योंकि पता नहीं कैसे जो पावरफुल मिडिलमैन है, जो बिचौलिया लोग हैं जिनको अब नुकसान होने वाला है इस कानून के विड्रॉ होने के बाद, क्योंकि अब फार्मर जो है वो बिचौलियों को बेच सकते हैं पीएमसी में या खुद भी जाकर के बाहर में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये बिचौलिया लोगों ने या फार्मर्स यूनियन ने जिनका नेक्सस है सरकारों के साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काफ़ी फायदा होता है एपीएमसी मंडी से, क्योंकि एपीएमसी मंडी से काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता है। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें उनको छोटा मोटा चार्ज मिलता है, फीस मिलता है, तो एपीएमसी मंडी एक इंपॉर्टेंट जरिया है उनके रेवेन्यू जनरेशन का। और ये फार्मर्स यूनियन जो है स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छे से इंटरलिंक्ड हैं, तो फार्मर यूनियंस के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं वो तो उनको फार्मर्स इंटरेस्ट से ज़्यादा मतलब है नहीं, तो वो पॉलिटिकली वेस्टेड होकर के फार्मर्स को मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर मिडिलमैन है उन्होंने फार्मर्स को मिसगाइड किया है, या पॉलिटिकल पार्टीज मिसगाइड कर रहे हैं, डोंट नो व्हाट इज द रीजन। बट द ट्रूथ इज कि फार्मर्स को अननेसेसरीली इसको एमएसपी से जोड़ के बताया जा रहा है कि अगर ये तीन लॉ होने के बाद एमएसपी धीरे धीरे भारत सरकार खत्म कर देगी और तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल स्कीम था, तुम्हारे लिए प्राइस एश्योरेंस स्कीम था, वो खत्म हो जाएगा। और इस कारण से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसका हम अपने आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो दिल्ली चलो फार्मर्स प्रोटेस्ट है इसको हम अपने आंसर में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी जरा समझते हैं। तो ये जो दिल्ली चलो फार्मर प्रोटेस्ट है, इट इज़ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो चक्रव्यूह चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी का, इसको हाईलाइट किया था इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने कि हमारी इंडियन इकोनॉमी चक्रव्यूह चैलेंज फेस कर रही है। चक्रव्यूह तो आप समझते ही हैं, महाभारत में आपने सुन रखा होगा जिसमें अभिमन्यु आराम से घुस तो गए लेकिन बाहर निकल नहीं आए, तो चक्रव्यूह इसी तरह का होता है जिसमें घुसना आसान होता है लेकिन फिर निकलना मुश्किल होता है। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल या इंडिया के अंदर ओवरऑल, जिसको स्टार्ट तो हमने काफ़ी आसानी से कर दिया लेकिन उससे निकलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, उसको खत्म कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यही हाईलाइट किया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में। फॉर एग्जाम्पल एपीएमसी मंडी सिस्टम हम लेकर के आए, उसको स्टार्ट तो हमने कर दिया, एक तरह का सोशलिस्ट पैटर्न हमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब उसके नेगेटिव्स के कारण उसको खत्म कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इट्स ए काइंड ऑफ चक्रव्यूह। और भी कई सारे एग्जांपल दिए थे उस टाइम में इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में, उसने कहा था कि जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, हमने स्टार्ट तो कर दिया SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि इन कम्युनिटीज़ के अंदर भी जो क्रीमी लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसी को ज़्यादा फायदा हो रहा है, जो रियल नीडी सेगमेंट है इन कम्युनिटी के अंदर उनको फायदा नहीं हो रहा। तो मतलब द रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट यील्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट द वे इट वॉज एंटिसिपेटेड, लेकिन फिर भी उसको बदलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन उसको थोड़ा भी टिंकर करने जाते हैं तो काफी प्रोटेस्ट हो जाता है और फिर सरकार को पीछे हटना पड़ता है। तो इसी तरह का ये चक्रव्यूह चैलेंज है, हमने कर तो दिया है, इस तरह के एपीएमसी लॉज ला तो दिए हैं, बट इट इज नाउ गेटिंग डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू विड्रॉ। अभी देखिए सरकार कई सारी, ये जो एमएसपी का भी प्रोविजन है, ये एमएसपी से भी काफी नुकसान होता है इंडियन इकोनॉमी को। एमएसपी स्कीम ऑल्सो हैज मेनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती, नो गवर्नमेंट कैन डेयर टू चेंज इट बिकॉज ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। देखो एमएसपी अभी तो आपने देख लिया प्रेजेंट केस में,
एमएसपी से कोई लेना देना भी नहीं है इन तीन लॉ का, फिर भी एमएसपी से जोर करके फार्मर्स को मिसगाइड किया जा रहा है, और इतना भयंकर प्रोटेस्ट हो गया कि दिल्ली को घेर करके रख दिया है फार्मर्स ने। जबकि एमएसपी को अगर सच में भारत सरकार हटाने का नाम लेता तो आप सोचो, जो पार्टी जिसकी सरकार है वो पार्टी का पूरा करियर खत्म हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इस केस में तो कोई एमएसपी की बात नहीं है, तब तो इतना बड़ा बवाल हो गया। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली ट्राइज टू विदड्रॉ एमएसपी देन देर विल बी मच ह्यूज प्रोटेस्ट। जबकि एमएसपी से भी कई सारे नुकसान है, निगेटिव इंपैक्ट है, और एमएसपी को भी लॉन्ग रन में अगर हम विदड्रॉ नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो जरा समझते हैं कि एमएसपी से क्या क्या नुकसान होते हैं हमें, व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल चैलेंज। अभी देखो एमएसपी पे तो मैंने बताया कि लगभग 26 ऐसे क्रॉप है जिसको भारत सरकार एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीद लेती है, अगर फार्मर्स को मार्केट में उससे बेहतर प्राइस नहीं मिला तो। लेकिन इफेक्टिवली एमएसपी में खाली दो ही क्रॉप अच्छे से बिकते हैं, राइस एंड वीट। दिक्कत क्या है कि जब फार्मर लेकर के पहुंचता है कोई दूसरा क्रॉप, ज्वार लेकर के पहुंचा, बाजरा लेकर के पहुंचा, एमएसपी में उसका नाम तो है, लेकिन जब एफसीआई गोडाउन पर पहुंचता है कि सर मुझे ये बेचना है अपना ज्वार बाजरा, तो एफसीआई वाले कहते हैं कि इसके लिए अभी हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, क्योंकि हर एक तरह के क्रॉप को खरीदने के लिए उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग होगी, सर्वेइंग होगी, तब तो वो क्रॉप खरीदा जाएगा, उसकी क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी तो मेजर की जाएगी ना। तो उसके लिए हर एक तरह के क्रॉप का नाम तो है एमएसपी में, लेकिन हर एक तरह के क्रॉप के लिए ग्रेडिंग या सर्वेइंग मशीन्स नहीं होते। तो इस कारण से इफेक्टिवली बस राइस और वीट बिकता है एमएसपी पे आसानी से, और यही कारण है कि फार्मर्स अब सिर्फ राइस और वीट उगाने पर ध्यान देते हैं, कि उनको पता है कि कुछ बिके ना बिके राइस और वीट बिक जाएगा एमएसपी पे, इसलिए वो राइस और वीट उगाते हैं, और जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हैं जैसे दाल, ज्वार, बाजरा, वो फार्मर्स उगाना नहीं चाहते। और इसी कारण से हमारे देश में राइस और वीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है जिनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, जबकि पल्से, ज्वार, बाजरा जिसमें बाकी सारे न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं वो हम नहीं उगाते हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। हम सारे लोग आज का हमारी ही ईटिंग हैबिट ऐसी होती जा रही है कि हम रोटी या चावल बहुत खाते हैं, जबकि ये न्यूट्रिशियस चीज़ें हम कम खाते हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि हमारे देश में राइस और वीट बहुत उगता है। सो न्यूट्रिशन चैलेंज आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हिडन हंगर। जब बहुत ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ऊपर से हम हेल्दी दिखेंगे, लेकिन अंदर से हमारे वीकनेस होगा और जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डेफिशिएंसी होगी। दूसरा जो नेगेटिव एमएसपी के कारण वो है फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ट्रेडिशनली वो अमीर हैं क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन उसी एरिया में आया था। अब ये पंजाब हरियाणा के फार्मर्स, उनके यहाँ पे राइस नहीं उगती है नेचुरली, क्योंकि राइस उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और उतना पानी होता नहीं है पंजाब हरियाणा में, फिर भी पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स राइस उगा लेते हैं बाई एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल लगाते हैं और ग्राउंड वाटर से पानी निकाल लेते हैं। और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि राइस इफेक्टिवली एमएसपी में बेचा जाता है, तो इसी कारण से पंजाब हरियाणा के फार्मर्स राइस भी खूब उगाते हैं। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन लोगों के यहाँ नेचुरली तो बारिश होती नहीं है, तो फिर वो ग्राउंड से पानी निकालते हैं और ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सो दीज फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जहाँ पे पंजाब हरियाणा राइस उगा रहा है जबकि नेचुरली उनको उगाना नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ एमएसपी। इंटरनेशनल इशूज हो रहे हैं एमएसपी के कारण। देखो आपने जरूर इकोनॉमिक्स में अपने पढ़ रखा होगा, मैंने भी पहले कराया हुआ है, कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो एक तरह का फाउंडेशनल एग्रीमेंट है WTO का, उसके हिसाब से जो भी हमारी एग्रीकल्चर में सब्सिडीज हैं उनको तीन भाग में बांटा गया है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स। और एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी हैं वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर के हैं, और एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे कट डाउन करना है, और ये एमएसपी एक तरह का एम्बर बॉक्स सब्सिडी आता है, और इस कारण से इसको धीरे धीरे कम करना है भारत सरकार को। लेकिन भारत सरकार इसको कम करने के कहीं भी हालात में नहीं है। इंटरनेशनली हमारे ऊपर दबाव है WTO में कि एमएसपी को कम करो, और यहाँ पर भारत सरकार अगर एमएसपी को कम करने का नाम ले लेगी अगर तो भी, तो उसका जो भी पार्टी है सेंटर में उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। उसके अलावा ह्यूज फूड सब्सिडी, 1,15,000 करोड़ तो हमारा फूड सब्सिडी पे खर्च होता है एमएसपी के कारण। हमारी सरकार को चाहिए या ना चाहिए, हमारी जो एफसीआई है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, वो आंख बंद करके राइस और वीट खरीदती है, क्योंकि भारत सरकार का प्रॉमिस है ये कि कहीं और बिके ना बिके हम खरीदेंगे, और इस कारण से बहुत ज़्यादा हमें फूड सब्सिडी देना पड़ता है।
जितना राइस आता है, जितना वीट लाते हैं फार्मर, सब हम खरीदते हैं। इससे और नुकसान होता है, वेस्टेज। जब अनसस्टेनेबल तरीके से एफसीआई राइस और वीट खरीद लेती है तो फिर उसके पास तो उतना स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, तो ऐसे खुले में स्टोर करती है, अनसाइंटिफिक तरीके से स्टोर करती है। जब इस तरह से स्टोर करती है तो खाना खराब होता है, बारिश पर भीगता है, रोडेड चूहे खा जाते हैं, तो इस कारण से कई सारा खाना खराब हो जाता है। जबकि सड़कों पर कई सारे भूखे लोग हैं, बच्चे हैं, जो माल न्यूट्रिशन और हंगर के शिकार हो रहे हैं, और एफसीआई के गोडाउन में खाना परे परे खराब हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं एमएसपी के कारण। फिर भी एमएसपी को खत्म करना अब हमारे देश में इम्पॉसिबल टास्क हो गया है। दैट इज वाई एमएसपी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ चक्रव्यूह चैलेंज। इस करेंट केस में तो आप देख ही रहे हैं कि एक ऐसा बिल जिसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, उसको एमएसपी से जोड़ करके किसानों को भड़का दिया गया। तो सच में अगर एमएसपी की खत्म बात को की जाए, उसको खत्म करने की, तब तो आप सोच लो कि क्या माहौल होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल समिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। SCO है क्या, जरा देखते हैं। इट्स अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज क्रिएटेड इन 2001। और अगर आप देखें तो इसमें देर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन या मिलिट्री कोऑपरेशन। तो अलग अलग तरह के कोऑपरेशन हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन आप समझते ही हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल कोऑपरेशन आप समझते ही हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन में एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को मदद करती है उसके फंक्शनिंग में। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में मदद करती है। तो तीनों तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, तीनों तरह के इंटरेक्शंस होते हैं इस SCO प्लेटफॉर्म पे। इस बात का ध्यान रखना, मैं तीनों पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में, और स्टूडेंट्स को लगता है कि SCO इज जस्ट फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बट नॉट फॉर मिलिट्री, बट इट इज फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन एज वेल। SCO का सेक्रेटेरिएट बीजिंग शहर में है ऑफ चाइना। इसके मेंबर्स हैं सारे के सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो सब इसके मेंबर हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये चार मेंबर हैं सेंट्रल एशिया के। टोटल सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री हैं, दीज 4 प्लस तुर्कमेनिस्तान। सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान को हटा करके बाकी 4 प्लस रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसके मेंबर्स हैं। टोटल 8 मेंबर्स हैं। देखो 2017 से पहले तक बस 6 मेंबर हुआ करते थे, ये 4 सेंट्रल एशियन वाले और रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इसके मेंबर्स नहीं थे। फिर 2017 में रसिया ने प्रपोज किया कि SCO में इंडिया को भी एंट्री दी जाए। रसिया का मेन ऑब्जेक्टिव था कि SCO के अंदर चाइना के डोमिनेंस को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है इस एरिया में, खासकर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच हैं और चाइना एनर्जी डेफिशिएंट है, उनसे खूब सारा तेल खरीदता है, नेचुरल गैस खरीदता है। इस कारण से ये जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए रसिया ने सोचा कि क्यों ना इंडिया को एंट्री दे दी जाए। जब इंडिया की एंट्री हो जाएगी तो नेचुरली इंडिया भी चाइना जैसा एनर्जी डिफिशियंट कंट्री है, इनसे तेल खरीदेगा, नेचुरल गैस खरीदेगा, तो चाइना का डोमिनेंस SCO में कम हो जाएगा। तो इंडिया को एंट्री इसलिए रसिया ने दिलाया। अब इंडिया के ऊपर लिमिटेशन लगाने के लिए चाइना ने कहा कि नहीं, अगर इंडिया को एंट्री मिलेगी तो पाकिस्तान को एंट्री देना होगा। तो इस चक्कर में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर हो गए। इंडिया गॉट एंट्री ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया, वाइल पाकिस्तान गॉट एंट्री ऑन इंसिस्टेंस ऑफ चाइना। अब टोटल 8 मेंबर हो गए हैं। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देखो, इंडिया एक समिट होस्ट कर रहा है जिस समिट का नाम है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग ऑफ SCO। तो अलग अलग तरह की मीटिंग होते रहती है SCO में। जो करंट मीटिंग चल रही है उस मीटिंग का नाम है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग ऑफ SCO, और ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब इसको होस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह का समिट लेवल मीटिंग इंडिया होल्ड कर रहा है SCO का। तो इट्स अ बिग न्यूज, हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। पहली बार इस हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स लेवल का मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है ऑफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट हैं वो हर साल होते रहते हैं और उसमें जनरली प्राइम मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो चेयर कर रहे हैं, इस पूरे सेशन को प्रिसाइड कर रहे हैं। अभी ये सेशन चल रहा है, हो सकता है कल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए जाए, तो उसको हम लोग फिर से कल कवर करेंगे इन और न्यूज़पेपर एनालिसिस। और ये जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा को डिस्कस करना। इस बात को ध्यान रखना है, अलग अलग तरह की मीटिंग होती है SCO की। जो ये हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल मीट है, इसका पर्पस ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा है,
बस इसमें सिक्योरिटी नहीं है, मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल समिट ऑफ SCO इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट इको फुट ब्रिज डेवलप्ड इन नैनीताल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज समझते हैं। तो देखो, उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरह का फुट ओवर ब्रिज बनाया। फुट ओवर ब्रिज आप समझते हैं जिसको चल करके पार किया जा सके। फुट ओवर ब्रिज जनरली इंसानों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस फुट ओवर ब्रिज की खासियत यह है कि इंसानों के लिए नहीं बनाया गया है, ये रेप्टाइल्स के लिए बनाया गया है, सांप के लिए या अलग अलग तरह के गेकोज लिजर्ड्स के लिए बनाया गया है। दिक्कत क्या है कि ये जो रोड है नैनीताल एरिया का, ये काफ़ी बिजी रोड है, और यहाँ से जब बसेस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, और इस रोड को क्रॉस करने वाले जो रेप्टाइल्स हैं, सांप वगैरह हैं, वो उन बसेस से कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। तो उन सारे सांपों का ट्रांसपोर्टेशन को सेफ बनाने के लिए ये फुट ओवर ब्रिज बनाया है उत्तराखंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। अब उम्मीद है कि ये सांप, ये रेप्टाइल्स इस फुट ओवर ब्रिज का, जिसका नाम रखा गया इको फुट ओवर ब्रिज, इकोलॉजिकल फुट ओवर ब्रिज, इसका इस्तेमाल करके ये लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर, इस रोड को क्रॉस करेंगे। इससे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रुक जाएगा, और इन एनिमल्स को जो डैमेज होता है, रेप्टाइल्स को जो डैमेज होता है, वो कम हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस फुट ओवर ब्रिज का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा, इससे दो लोग एक साथ आराम से पास कर सकते हैं। तो इस कारण से उम्मीद की जा रही है कि लेपर्ड्स भी आने वाले टाइम में इस फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके क्रॉस कर सकते हैं, और इसके कारण जो लेपर्ड्स एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, उनकी डेथ भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फुट इको फुट ओवर ब्रिज। अब कहाँ यूज कर सकते हैं इस न्यूज को अपने आंसर राइटिंग में, जरा वो समझते हैं। तो देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड्स टू अवॉइड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। आप देखो, इस सवाल को तो डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है पीटी में पूछ ले कि कहाँ पे रिसेंटली इको फुट ओवर ब्रिज बनाया गया था, हो सकता है पूछ ले। अदरवाइज अगर नहीं भी पूछे तो मेंस में अगर कभी इन्वायरमेंट में इस तरह का सवाल आ जाए कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए, तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इस तरह के सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की मदद से हम लोग मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। देखो, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा किस तरह का टाइगर ने कैसे तेजपुर में अटैक किया, कई सारे लोगों पर अटैक किया उसने, न्यूज में भी चल रहा था आसाम के अंदर बहुत ज़्यादा। तो फॉर्चुनेटली किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन इट वाज अ मैसिव डेथ, अ मैसिव कैटेस्ट्रॉफी इस एरिया में, एक तरह की अफरा तफरी मच गई थी। तो इस तरह के मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और इस तरह के ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए इस तरह के हमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है। वहां पे इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एज रिसेंटली सीन एन इको फुट ब्रिज डेवलप्ड बाई उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिमिलर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कुड बी डन इन ऑर्डर टू अवॉइड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता क्यों है? हम लोग हैबिटेट लॉस करते जा रहे हैं इन एनिमल्स का, जंगल काटते जा रहे हैं, तो इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। फिर जब हम इनके एरिया में घुसेंगे तो नेचुरली कन्फ्लिक्ट तो होगा ही। जंगल काटते जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि वहाँ के जंगलों के पेड़ पौधे, जो जानवर हैं, वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। जब वो जानवर मरते जा रहे हैं तो इन तरह के जो एनिमल्स हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स या कार्निवोरस एनिमल्स, इनके पास खाने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, पीने के लिए पानी बचा नहीं है। इसी कारण से ह्यूमन एरियाज में अटैक करते हैं, क्योंकि जंगलों को तो हमने काट दिया, वहाँ के जो लोअर लेवल के इकोसिस्टम वाले जानवर हैं वो तो धीरे धीरे मर रहे हैं। इस कारण से इन तरह के जो ओमनीवोरस या कार्निवोरस एनिमल्स हैं, दे अटैक, और या प्रीडेटर्स हैं, वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में अटैक करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इस कारण से हमारा जो सेटलमेंट है वो फॉरेस्ट एरियाज में जाता जा रहा है, एंड दैट इज वाई ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो रहा है, जिस कारण से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। हम लोग अब जंगलों के बीचों बीच रोड बना देते हैं, रेलवे बना देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना देते हैं कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी जरूरी है, तो और साथ ही साथ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को भी कम करना जरूरी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि हम लोग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो रोड, रेलवेज, लेकिन इस तरह के साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं ताकि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके और एनिमल्स को भी साइमल्टेनियस तरीके से जीने का मौका मिले। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट सिक्स्थ नेशनल पार्क टू बी क्रिएटेड इन आसाम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 आसाम बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये कहता है कि असम सरकार ने फैसला लिया है कि वो रायमोना नेशनल पार्क को क्रिएट करेगी। दैट विल बी सिक्स्थ नेशनल पार्क ऑफ आसाम, रायमोना नेशनल पार्क, याद रखेंगे इस नाम को। और ये जो नेशनल पार्क है इसका टोटल एरिया लगभग 422 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। ये एरिया अभी तक रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व नाम से जाना जाता है इन चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। यहाँ पे देखो ये है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व। इस चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व को अब अपग्रेड किया जाएगा एज रायमोना नेशनल पार्क, जो हमारे स्टेट का छठा नेशनल पार्क होगा। ये जो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट है ये मानस नेशनल पार्क के प्रॉक्सिमिटी में है, तो मानस नेशनल पार्क का ही एक्सटेंडेड या बफर जोन ये माना जाता है। और ये जो एरिया है इट इज वेरी मच पॉपुलर फॉर गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में पाई जाती है। तो ये सवाल अब आ सकता है, चूंकि चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व न्यूज़ में आ गया तो गोल्डन लंगूर से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इसके थोड़े से स्टेटस देख लेते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN में इसको कैटेगराइज किया गया है एज इंडेंजर्ड। साइट्स में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें इसको कैटेगराइज किया गया अपेंडिक्स वन, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया। इसका ट्रेड करने के लिए स्पेशल हमें अप्रूवल लेना होगा। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी 1972 के इसको शेड्यूल वन में कैटेगराइज किया गया, मतलब इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट हंटिंग। तो इसको एक तरह का हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ये गोल्डन लंगूर को। अब नेशनल पार्क ऑफ असम की बात करें तो असम में ऑलरेडी 5 नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी एंड ओरांग। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल असम सरकार ने फैसला लिया था कि वो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी नेशनल पार्क में अपग्रेड करेंगे। और अब उन्होंने फैसला लिया है कि रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व को भी वो रायमोना नेशनल पार्क में अपग्रेड करेंगे। अब इनमें से पहले नेशनल पार्क कौन बनता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों ही प्रपोज कर दिए हैं असम सरकार ने एज सिक्स्थ। तो जो पहले बन जाएगा वो सिक्स्थ नेशनल पार्क होगा, जो उसके बाद बनेगा वो सेवन्थ नेशनल पार्क होगा। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, दोनों ही अभी के लिए प्रपोज्ड सिक्स्थ नेशनल पार्क हैं, लेकिन जो पहले बन जाएगा वो एक्चुअल सिक्स्थ नेशनल पार्क होगा, जो बाद में बनेगा वो एक्चुअल में सेवन्थ नेशनल पार्क होगा। अब जरा ध्यान से समझो, ये रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व है ना, ये कुछ कारणों से और भी पॉपुलर है, तो इस देखते हैं। देखो ये जो रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व है इट इज वन ऑफ द माइक साइट इन इंडिया। माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2003 में स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे कि दुनिया के अलग अलग जगहों के इंपॉर्टेंट एलिफेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए और वहां पे इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को रोका जाए। इसके लिए माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इंडिया के अंदर 10 ऐसे साइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहां पे एलिफेंट्स की इलीगल हंटिंग होती है, और वहां पे इस माइक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसमें से चिरांग रिपू वाला एरिया जो है वो माइक प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और यहाँ पे एलिफेंट्स का इलीगल हंटिंग भी होता है। और अब ये चिरांग रिपू इस साल न्यूज़ में है क्योंकि इट इज़ गेटिंग अपग्रेडेड एज रायमोना नेशनल पार्क। तो हो सकता है कि हमसे माइक प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया जाए या गोल्डन लंगूर के बारे में पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है चिरांग रिपू रायमोना नेशनल पार्क के बारे में भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 226 टू टॉपिक नंबर 228। तो आज से हम लोग अपने क्वेश्चंस का थोड़ा सा अप्रोच बदलेंगे। अभी तक मैंने आसाम रिलेटेड 225 क्वेश्चंस करा दिए, बिल्कुल आसाम स्पेसिफिक। उसके अलावा चिन्मोय सर तो आपको असम पीडिया से असम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करा ही रहे हैं, तो मैं थोड़े से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सवाल आज से कराऊंगा। तो टॉपिक नंबर 226 इज़ अबाउट एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स। तो इस साल ये काफ़ी न्यूज़ में था कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में अलग अलग जगहों पर झड़प हुई है। तो कहाँ कहाँ पर झड़प हुई है, कहाँ कहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ है, जरा सा वो एरिया देख लो। सबसे पहला एरिया देखो ये गलवान वैली लद्दाख में है। उसके अलावा ये हॉट स्प्रिंग वाला एरिया ये देखो। उसके अलावा ये यहाँ पे है एक लेक जिसका नाम है पैंगोंग सो लेक। इन सारे एरियाज में कन्फ्लिक्ट हुई है। इस पैंगोंग से लेक के नीचे ये है देखो, ये पैंगोंग सो लेक है। ये पैंगोंग सो लेक के ऊपर इस तरह के माउंटेन रेंजेज हैं। ये माउंटेन रेंजेज को हम लोग कहते हैं एट फिंगर्स, दे आर एंड ऑफ काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज यहां से ऐसे आता है और फिर यहां पे आकर के इस तरह से काराकोरम रेंज खत्म हो जाता है, और उसके आठ इस तरह के माउंटेन रेंजेज है जहां पे काराकोरम खत्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं
एट फिंगर्स ऑफ काराकोरम, ये भी काफी न्यूज में था कि एट फिंगर एरिया में भी फाइट हुई है, और यहाँ पे पेंगोंग सो लेक, उसके अलावा सिक्किम के नकुला सेक्टर में भी फाइट हुई है। तो ये सारे टर्म्स, ये सारी एरियाज इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि एट फिंगर एरियाज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 227 इज अबाउट श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, एंड ही वॉज 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2012 टू 2017, बिफोर ही वॉज रिप्लेस्ड बाय श्री रामनाथ कोविंद जी, द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज अपॉइंटेड एज प्लानिंग कमीशन हेड ऑल्सो इन 1991, एंड ही वॉज फॉरन मिनिस्टर इन 1995, एंड ही वॉज अकॉर्डेड भारत रत्न अवार्ड इन 2019। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 227। टॉपिक नंबर 228 इज अबाउट द बुक नेम्ड इंडिया वे, इट वॉज रिलीज रिसेंटली एंड इट हैज बीन रिटन बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 228। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 223 टू 225 दैट वी आर गिवन इन यस्टरडेज न्यूज पेपर एनालिसिस। टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड वी विल बी सेंडिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज पेपर एनालिसिस। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। रिसेशन हैपेंस व्हेन द इकोनॉमी श्रिंक्स फॉर एटलीस्ट थ्री फिस्कल क्वार्टर्स इन अ रो। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज टू फिस्कल क्वार्टर्स इन अ रो। ग्रीन सूट्स इन इकोनॉमी मीन्स इन्वेस्टमेंट एट द गवर्नमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग बायोल्यूमिनेसेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड इमिट लाइट। एब्सोल्युटली राइट, एंड इट इज एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स। दिस इज ऑल्सो राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।